ऊंची दुकान फीके पकवान, कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन छोटी दुकान स्वादिष्ट पकवान भी एक सच्चाई है। आज हम आपको पुरानी दिल्ली कुछ ऐसी खास जगहों की सैर कराते हैं जिनकी दुकानें तो छोटी हैं लेकिन उनके स्वाद का जलवा दूर दूर तक है। रमजान के महीनों में यहाँ खास रौनक है। कल्लू की निहारी खाने के लिए लोग दुकान खुलने से पहले ही लाइन में लग जाते हैं। रोज शाम 6 बजे कल्लू की निहारी को देख खुलते ही और 1 से 1.5 घंटे में पुरानी देख खत्म हो जाती है। कल्लू की निहारी खाने के लिए लोग दुकान खुलने से पहले ही लाइन में लग जाते हैं। रोज शाम 6 बजे कल्लू की निहारी को देख खुलते हैं और 1 से 1.5 घंटे में पूरी देख खत्म हो जाती है। 30 साल पहले कल्लू भाई ने यहाँ पुरानी दिल्ली में छत्ता लाल मिया में निहारी का काम शुरू किया था। कुछ साल पहले कल्लू की मौत हो गई, अब उनके बेटे फैजान और रिहान ने काम संभाल रखा है। देख खुलने के बाद इन्हें एक बात करने तक की फुर्सत नहीं होती। कल्लू की निहारी के दीवाने सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि जिसको एक बार इसका स्वाद भा गया वो विदेश में जाकर भी नहीं भूलता। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं लेकिन रमजान के महीने में यहाँ सिर्फ पैकिंग करके निहार दी जाती है, बैठकर खाने का इंतजाम नहीं। गंजमीर खा इलाके में अहमद भाई के कबाब पुरानी दिल्ली में बेहद पसंद किए जाते हैं। 40 साल पहले इनके अब्बा ने यहाँ कबाब कॉर्नर शुरू किया था जो गल्लड़ कबाबी के नाम से मशहूर थे। अब अहमद और उनके बेटे अपनी खानदानी रवायत को संभाले हुए हैं। इनके कबाब की खासियत यह है कि 40 साल से वही स्वाद बरकरार है। तुर्कमान गेट पर इलियास चिकन पॉइंट का स्वाद भी अब चर्चाओं में है। यहाँ की चिकन रोल, तवा चिकन और टिक्का खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अगर पुरानी दिल्ली में आप लोगों को छोटी दुकान के इन लजीज पकवानों का मजा लेना है तो पहुंच जाइए। आजकल रमजान के महीने में पुरानी दिल्ली में बाजार पूरी रात तक खुलता है। 40-45 साल हो गए और ये हमारे पहले वाले साहब बैठते थे, उसके बाद मैंने संभाला। मुझे भी कम से कम 25 साल हो गए, 20 साल जब से मैं करता आ रहा हूँ। वही टेस्ट है, वही चीज़ है। कस्टमर बहुत दूर दूर से आते हैं, साउथ से पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। रमजानों में थोड़ा फर्क पड़ जाता है रोज़ों की वजह से, बाकी तो माशाल्लाह बहुत सही है। नंबर 1 रमजानों में काम करते हैं, खाने पीने का काम जो है, जैसे हमारे तंदूरी चिकन बहुत फेमस है, बटर चिकन फेमस है, चंगेजी लॉलीपॉप क्या समझे, सीख कबाब, यहाँ पे जो है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए। बहुत अच्छा टेस्ट है यहाँ का। मोहम्मद अहमद सेफी, देखिए इसके जो मसाले हैं ना, असल जो चीज़ें जो स्वाद है इसका मसालों का है। आम जो कोरमा है, स्टू है, और जो तरह तरह के जो ये मुगलाई खाने और डिशेज होती हैं वो अलग होती हैं, इसके जो मसाले हैं वो अलग होते हैं। जो मसाले वही ख़ास होते हैं और मसालों की वजह से ही इसका टेस्ट भी बिल्कुल सब चीज़ों से जुदा है। जी ये मैं इसके लिए स्पेशली मयूर विहार से आया हूँ। बताइए। मयूर विहार से आया हूँ और बहुत सुना है मैंने इसके बारे में, और इसलिए इससे पहले भी मैं टेस्ट कर चुका हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ खास रमजानों में। 3 दिनों में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही साथ दिखती है नारी बता रहेगी। टाइमिंग 6 से 6:30 बजे तक।